हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और दुआ करती हूँ आप सब अच्छे रहो, सेफ रहो। तो गाइस, आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बजने वाला है दोपहर का 12 अभी नहीं बजा है और मेरा सारा काम हो चुका है, तो बस मैं वेट कर रही हूँ किसी का। तो मेरी भाभी आ रही है अभी घर पे, तो आज का सारा टाइम भाभी के साथ ही पास हो जाएगा। तो मैं आपको, भाभी आएगी तो ज़रूर मिलवाऊँगी। तो फ्रेंड, चलो अब हम कर लेते हैं तैयारियां। तो नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, अब लंच की तैयारियां होगी और रात के लिए भी मैंने तैयारियां कर ली है। तो रात को मैं बनाने वाली हूँ इडली, तो बस वही सब तैयारियां कर रही हूँ। तो चलो कर लेते हैं तैयारियां और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइज, नाश्ता में मैंने बनाया था चूरा का पोहा, तो बस सब्जियां, ज़्यादा कुछ नहीं डाली थी मैंने क्योंकि सब्जियां थी नहीं। तो ये देखो, चूरा को मैंने भिगो के बस 8-10 सेकंड के लिए ही भिगोया था और फिर मैंने उसे स्ट्रेन कर लिया है। और ये इधर मेरी चाय बन रही है, चाय में भी उबाल आ गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, चाय पत्ती और अदरक डाल दूँगी। इधर चाय बनता रहेगा और इधर मैं बना लूँगी पोहा। तो बस हल्का फुल्का नाश्ता, और मैं नाश्ता में हमेशा पोहा और उपमा, सैंडविच, यही सब बनाती हूँ ताकि नाश्ता हल्का रहे। और दोपहर की भी तैयारियाँ कर लूँगी साथ ही साथ, और भाभी आएगी तो भाभी के साथ फिर टाइम पास करना है, भाभी के साथ बैठना है। तो बस मैं जल्दी जल्दी नाश्ता का काम सलटा ले रही हूँ। तो गाइज, और बताओ आप सब कैसे हो, कैसा चल रहा है? और लॉकडाउन तो पूरी तरह से शायद खुल ही गया है, मार्केट खुल चुका है, आप लोग सब सेफ रहना, अपना ध्यान रखना। और देखो, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है चूरा के पुलाव में, टमाटर, प्याज और आलू डालकर बस इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से और थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर गल जाए। और ये देखो, इसमें नमक और थोड़ा सा काला नमक, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने डाला था, और बस फिर डाल दूँगी मैं नींबू, और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू को मैं ऐसे इसलिए डाल दी हूँ ताकि कोई भी बीज हो तो डायरेक्ट सब्जी में ना जाए, चम्मच में ही रह जाए, इसलिए मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो ये देखो कितनी अच्छे से सारी सब्जियाँ पक चुकी है, अब मैं इसमें डाल दूँगी पोहा। तो ये देखो, मैंने सिर्फ 8-10 सेकेंड ही पोहा भिगोया था और उसके बाद मैंने उसे छान लिया था। तो इसी तरह से बस मेरा चूरा का पोहा बोलो या पुलाव, जो भी, रेडी हो चुका है। ये देखो, मेरा चूरा का पुलाव बन चुका है, चाय भी मेरी बन चुकी है। तो बस अब नाश्ता हो जाएगा, और नाश्ता करने के बाद ये मैंने देखो इडली के लिए चना दाल भिजाया है, चटनी के लिए रहर दाल भिजाई है, सांभर के लिए, और अब मैं सूजी भी घोल के रख दूँगी क्योंकि मैं इडली बना रही हूँ सूजी का। तो सूजी को घोल के रख दूँगी ताकि वो अच्छे से फूल जाए और मैं फटाफट बना दूँ, और रात को इडली सांभर चटनी बन जाएगा। तो बस इसी तरह से सारा काम रेडी करके रखने से आसानी होती है। तो मैं देखो सारी चीज़ें भिजा के रख दूँगी, और यहाँ मैंने ये सूजी देखो आप कितनी सुंदर और कितनी साफ़ है, इसमें से आप कितनी भी बारीकी से देख लो, आपको एक भी गंदगी, ये देखो आप खुद देखो कितनी वाइट है, पैकेट की सूजी है और इतनी वाइट, एक भी आपको ब्लैक कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए मुझे ये सूजी बहुत अच्छी लगती है, और ये हम लोगों की दुकान की ही सूजी है, घर के नीचे भी हमारा एक दुकान है तो हम वहीं से सामान ले आते हैं। और इसमें दही मिक्स करके दही डालूँगी और फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और बस इसे मिक्स करके रख दूँगी, और ऐसे ही बस तैयारियाँ कर लेती हूँ मैं ताकि बाद में मुझे परेशानी ना हो, और मेरी सारी तैयारियां हो के रहेगी तो मैं फटाफट सारा काम कर लूँगी। तो इसी तरह से मेरा सारा काम हो जाता है, और भाभी भी आती है, तो भाभी आए या और भी कोई भी आए तो मैं आराम से उनको टाइम दे सकती हूँ। तो बस इसी तरह से हो जा रहा है हमारा काम। तो गाइज, आप लोग सूजी की इडली कैसे बनाते हो कमेंट करके बताना, और मैं इसे देखो चम्मच से अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिलाइए, और इसमें दही भी डालना है और साथ में पानी भी डालना है, सिर्फ दही से नहीं मैं भिजाती हूँ, इसमें थोड़ी सी पानी भी डालती हूँ। ये देखो, अब इसे ढक के रख दूँगी। तो ये हो गया है मेरा
और ये लंच में देखो मैं बैगन को तवा में ही बना रही हूँ, और फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत लोग फ्राई करते हैं, फ्राई किया हुआ भी अच्छा लगता है, पर मेरे हबी को ऐसे ही पसंद है तवा पे, और तवे पे किया हुआ अच्छा भी लगता है। बस ऐसे करके अच्छे से जब सीख जाए तो इसमें नमक और लाल मिर्च डाल देती हूँ, लाल मिर्च नमक डाल के, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और दाल भी मैं दाल बनाने के बाद दाल में अदरक हरी मिर्च और लहसुन डालकर आप उसे अच्छे से छौंक लो तो देखो दाल की कलर कितनी अच्छी आ जाती है। तो इस तरह की दाल रहने से सब अच्छे से खा लेते हैं, देखकर भी अच्छा लगता है। और ये है पनीर की सब्ज़ी, आटा भी मैंने लगा लिया है, आटा भी लगा हुआ है मेरा, ताकि कोई रोटी खाए तो मैं कुछ भी बना दूँगी उसमें भर के। चावल रेडी है, और हमारे यहाँ गाइस चावल टोपिया में ही बनता है, कुकर का चावल कोई नहीं खाता है। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो मैं उनको दे रही हूँ लंच, लंच करके रेडी रहते हैं, तब तक क्या है भाभी भी आ जाएगी, तो बस फिर भाभी के साथ बैठेंगे। तो चलो ये देखो भाभी आ चुकी है, नीचे बैठी है, यहाँ नीचे मैं, भाभी, मेरी ननद और ये छोटा सा लड्डू गोपाल। तो ये देखो जो मेरी ननद इधर बैठी है मोबाइल चला रही है, और मम्मी जी लेटी हुई है, और इधर मेरी भाभी है जो बाबू को खिलाने के बहाने अपने पास बुला रही है, पर वो जा नहीं रहा है, उसे खाना भी है पर उसे जाना नहीं है, नया नया चेहरा देख रहा है तो उसे लग रहा है कौन है। तो बस ये है मेरी भाभी, और हम लोग यहीं बैठकर मस्तियां कर रहे थे, बच्चे और बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया है। आप हमारे घर आओगे ना कभी तो देखना, हमारे घर में ऐसा लगेगा कि कोई फंक्शन ही है, कोई भी हमारे घर आता है तो उन्हें ऐसे ही लगता है कि हमारे घर में फंक्शन है, क्योंकि हमारे घर में बहुत शोर शराबा मस्ती होती रहती है, सारे बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। और अभी तो ये छोटा सा बाबू के पीछे ही सारे बच्चे लगे हुए रहते हैं, उसके साथ इंजॉय कर लेते हैं। देखो आज ये 11 महीने का हो चुका है ना, तो आज इसने चलने की फर्स्ट कोशिश की थी, तो इसलिए सबको इसे चला रहा है, और तो ये भाव खा रहा है, चल नहीं रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि आज फर्स्ट टाइम इसने अपने कदम बढ़ाए, अच्छा लगता है घर में छोटा बच्चा हो तो। ये देखो अब देखो ये चल के दिखाएगा, लेकिन इतनी स्पीड चलता है ना, इसे जान में डर ही नहीं है। ये देखो और चेहरा देखो इसका, और आवाज़ दे रहा, चिल्ला रहा है, तो आप भी सुनो इसकी आवाज़। हाँ हाँ जब दे, तुम उधर मत रह, इधर लाना। हाँ चल छोड़, हट ना, तुम लोग हट। तो सुना आप लोगों ने इसकी आवाज़, और ऐसी इसी तरह से बस सब इसे चला रहे हैं, इसके पीछे ही लगे हुए हैं। ये देखो सारे पलटन एक साथ मिलेंगे आपको, कभी कोई लेके चला रहा है, कभी कोई लेके चला रहा है, और वो मुंह बना रहा है, ये देखो अपनी नाक को ऊपर करके पूरा मुंह बना रहा है। इसी तरह से बच्चों का भी टाइम पास हो जाता है, बच्चे भी घर पर हैं पर बच्चों को लग नहीं रहा है कि वो बोर नहीं हो रहे हैं, मस्ती कर लेते हैं सारे बच्चे एक साथ, पढ़ाई कर लेते हैं तो हमें भी पता नहीं चलता है, और बच्चे हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, आपस में ही सारे बच्चे हमारे घर के खेल लेते हैं। एक बार भी कि अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बिल्कुल भी कोई बच्चे परेशान नहीं करते हैं, बस टाइम पे इन्हें खाना दे दो, टाइम पे ये खा लेते हैं, पी लेते हैं, अपनी पढ़ाई भी खुद से कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं, तो इसलिए मुझे ये सब अच्छा लगता है। और हर्ष और दीपांशी को तो मुझे बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई के मैटर में हो या फिर किसी भी मैटर में, दोनों खुद से ही अपना सारा काम कर लेते हैं, तो इससे क्या है कि हम फ्री रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और बस इसके साथ हम लोग टाइम पास ऐसे ही कर लेते हैं, खेल लेते हैं, तो हम सब को भी मज़ा आता है। तो घर में छोटे बच्चे होना तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है ना, तो देखो सब कोई इसके साथ लगे हुए हैं, छोटा सा है। बस अभी ये इससे भी ना सब बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, ये भी अकेला नहीं रह सकता है, और हर्ष को देखकर तो ये ऊपर से ही आवाज़ देगा, तो हर्ष बोलेगा ना मैं आ रहा हूँ, तो बोले आवाज़ देगा आ जा आ जा। तो बस इसी तरह से हमारा टाइम पास हो जाता है, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है गाइस की, देखो ये बेचारा हर कोई की एक 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 गोदी में जा जाकर परेशान हो जाता है, इसे हर कोई गोदी लेगा। ये देखो इसका नाक देखो, देख रहे हो कैसे चला रहा है। तो ये मैंने दिखाया, ये हमारे घर का सबसे छोटा सा नंद गोपाल है, तो बस इसके साथ ऐसे ही हम लोग सबका टाइम पास हो जाता है, सबके पास चला जाता है, और
सबके साथ मस्तियाँ भी कर लेता है। तो इसी तरह से हो गया हमारा टाइम पास। और यहाँ शाम हो चुका है और शाम को मैं और भाभी यहाँ बैठे हुए हैं। शाम के 5 बज रहे हैं अभी और हम लोग यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। और मैं मोमोज और पिज़्ज़ा, हमारे यहाँ बगल में एक लड़की है वो घर पे ही बनाती है तो बहुत अच्छा बनाती है, तो उसके यहाँ से ही मैंने मोमो और पिज़्ज़ा मंगाया था। तो लेकिन भाभी तो खा नहीं रही हैं क्योंकि भाभी को मैदा खाना मना है, तो भाभी ने थोड़ा सा ही खाया है, बाकी बच्चे खा रहे हैं। ये देखो, ये भाभी की छोटी सी बेटी, ये भाभी को छोड़ती ही नहीं है, किसी के पास नहीं जाएगी, बस थोड़ी थोड़ी देर जाती थी बच्चों के पास खेलकर फिर वापस आ जाती थी। तो यहाँ सारे बच्चे देखो इंजॉय कर रहे हैं और मैं और भाभी बातें कर रहे हैं। तो ये है पिज़्ज़ा, तो इसी तरह से इन लोगों ने मोमो पिज़्ज़ा खा लिया और उसके बाद रात को मैं बना दूंगी डिनर। तो मैंने डिनर का नहीं सूट किया है गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी फैमिली इतनी बड़ी है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपना ध्यान रखना, सेफ रहना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।